तो भाइयों इंस्टाग्राम पर फिर से कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मान लो इंस्टाग्राम पर यदि आपको कोई बंदा या आपका कोई फ्रेंड मेंशन करता है, तो भाइयों मेंशन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मतलब कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होती है कि किसने आपको मेंशन किया, और आप उसको मेंशन बैक भी नहीं कर पाते होंगे। या फिर भाइयों यदि आपने किसी फ्रेंड को अपनी स्टोरी में मेंशन करते होंगे तो उसके पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं जाती होगी, मतलब कि भाइयों वो आपको मेंशन बैक नहीं कर पाता होगा आपका फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से यदि आपको कोई मेंशन करता है तो सिंपली आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन आए, एंड यहाँ पर आप ऐड स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी स्टोरी में इसको मेंशन कर सको। एंड भाइयों तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबर पर आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन किया, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाओगे। अब सिंपली भाइयों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपनी इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको इस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 4th नंबर पर, जिस पर लिखा हुआ है प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो भाइयों इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे लिखा दिख जाएगा मेंशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है एवरीवन, सेकंड है पीपल यू फॉलो, एंड यहाँ पर थर्ड है नो वन। तो सिंपली यहाँ पर आपको एवरीवन पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, तो भाइयों यदि आप यहाँ पर नो वन पर क्लिक कर दोगे तो आपको कोई भी बंदा मतलब कि मेंशन नहीं कर पाएगा अपनी स्टोरी में। एंड यहाँ पर यदि आप पीपल फॉलो यू पर, तो सिंपली यहाँ पर मतलब कि यदि आप क्लिक कर दोगे तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं आप उनको मतलब कि आपको वो लोग ही मेंशन कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर एवरीवन पर क्लिक कर दोगे तो सिंपली मतलब कि सभी लोग आपको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एवरीवन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से बैक चले जाना है, एंड यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च कर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कोई अपडेट तो नहीं आया है। यदि इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन शो होता है तो आपको तुरंत अपडेट कर लेना है। यदि अपडेट का ऑप्शन नहीं शो होता है तो अब आपको थोड़ा वेट करना है, एंड फिर से यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आना है, इंस्टाग्राम सर्च करना है, एंड इस तरीके से यहाँ पर फिर से आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर अ बीटा टेस्टर, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में लिखा होगा ज्वाइन अ बीटा वर्जन, एंड यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है लीव, आपके मोबाइल फ़ोन में होगा ज्वाइन। तो सिंपली आपको इस ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर से बैक चले जाना है। आपको 10-15 मिनट मतलब कि बाद आपको फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना है इस तरीके से, एंड फिर से इंस्टाग्राम सर्च करना है। तो यहाँ पर आप 15-20 मिनट बाद देखोगे तो सिंपली यहाँ पर लिख कर आ जाएगा बीटा। तो भाइयों जब बीटा लिख कर आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। यदि अपडेट का ऑप्शन फिर भी नहीं आता है तो आपको 1-2 दिनों तक वेट करना है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो भाइयों आपको पर डे चेक करते रहना है, जैसे ही यहाँ पर कोई भी अपडेट का ऑप्शन आता है तुरंत आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको चेक करना है, यदि यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता है तो सिंपली आपको फिर से अपडेट कर लेना है। मतलब कि आपको जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम को अपडेट करते रहना है, एंड ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि भाइयों इंस्टाग्राम पर इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम आती रहती हैं। एंड यहाँ पर ये जो मतलब कि इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन ज्वाइन करने के बाद अपडेट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी भी होती हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस सिंपली आपको 1-2 दिनों तक वेट करना होता है और अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो भाइयों मैंने आपको पहली सेटिंग बताया और दूसरा तरीका यहाँ पर प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन ज्वाइन करने का बताया। आप इन दोनों तरीकों को अप्लाई करना,
मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करना। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है राहुल टेक टिप 01, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो भाइयों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यार तब तक के लिए बाय।